हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देख लिया है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे चल रहे हैं और उसमें हमने टॉप लेवल और मिडिल लेवल हम पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं CBSE 12th चैप्टर 1 की, और आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल, या आप उसे कह सकते हैं ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं ज़रा ये लेवल क्या होता है। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि ये जो लेवल है कंसिस्ट करता है सुपरवाइजर्स को, सुपरिटेंडेंट को, फोरमैन वगैरह होते हैं इसमें, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और क्लर्क वगैरह जो होते हैं वो सब इस लेवल वाले ग्रुप में एक तरीके से कंसिस्ट होते हैं, सम्मिलित होते हैं, काम करते हैं। मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरीज ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो इस ग्रुप के मैनेजर्स होते हैं वो जो वर्क करते हैं, कैरी ऑन करते हैं वर्क को या परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ अपनी, किसके अकॉर्डिंग करते हैं वो, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने या मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए हुए होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारे ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड, इनकी अथॉरिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कि भाई इतना ही ये काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उनके पास में इस काम को करने की परमिशन नहीं है, उसके लिए परमिशन है, किसी दूसरे काम के लिए परमिशन नहीं है। द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशियंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। जो क्वान्टिटी है या क्वालिटी है आउटपुट की, आउटपुट का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट से, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंडस्ट्री में, कम फैक्ट्री में चल रही है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कैसी आएगी वो निर्भर करता है किसकी एफिशिएंसी पर, मैनेजर्स की। किस वाले मैनेजर की, जो इस लेवल के मैनेजर्स होंगे उनकी एफिशिएंसी पर, कि हाँ वो कितने अच्छे हैं काम करने में, कितने स्किलफुल हैं, कितने वो समझदार हैं। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स, वो क्या करते हैं, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और रिपोर्ट किसको देते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। वो रिपोर्ट करते हैं हर एक बात की, कि सर ये काम ऐसे हुआ है, ये काम मैंने उससे कराया है, इसमें इतनी क्वालिटी रही है, इसमें ये क्वान्टिटी रही है, क्या एक्सपेंसेस है, मतलब सारी रिपोर्ट में वो सारा का सारा डाटा होगा। किसको देना पड़ता है, वो लोअर लेवल को कहाँ पहुँचाना पड़ता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास में। दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। उनको ये भी जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम जो वर्कर्स हैं, जो तुम्हारे इंटर में वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑपरेशनल लेवल पर, उनके बीच में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यू विल बी अकाउंटेबल या यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बता रहे हैं वो फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट को हमने देख तो लिया कि लोअर लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का मतलब क्रियाएं ऐसे हैं कि क्या क्या करता है ये मैनेजमेंट, उसकी बात कर लेते हैं। इस लेवल पर मैनेजमेंट मैनेजर्स क्या क्या करते हैं या क्या क्या उन रोल प्ले करने होते हैं। पहला पॉइंट है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रेवियंस ऑफ वर्कर्स। सबसे बड़ा पॉइंट है ये इस पूरे टॉपिक का। रिप्रेजेंटिंग का मतलब प्रस्तुत करना और प्रॉब्लम्स को, ग्रेवियंस का मतलब होता है यहाँ पर शिकायत दर्ज करना। वर्कर्स की जो शिकायतें होती हैं या प्रॉब्लम, जो भी उनकी समस्याएं, इश्यूज वगैरह रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं इस लेवल के मैनेजर्स, यानी बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बिफोर का मतलब यहाँ पहले मत ले लेना, बिफोर का मतलब है यहाँ पर सामने। ठीक है, किसके सामने प्रस्तुत करते हैं वो, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को, ग्रेवियंस को, वर्कर्स की ग्रेवियंस शिकायतें और प्रॉब्लम्स होती हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सामने वो रखते हैं। द सुपरवाइजर लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सबॉर्डिनेट्स, सो दे आर द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड ग्रेवियंस ऑफ द सबॉर्डिनेट। वो ये कह रहे हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स होते हैं, यानी कि इस लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो बिल्कुल लिंक्ड होते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं विद सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब जिस जो बंदा हमारे अंडर में काम कर रहा होता है उसे हम सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट के ऊपर वाला जो बंदा होता है उसे हम सुपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, सो दे आर द राइट पर्सन, वो बिल्कुल सही व्यक्ति है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समस्याओं को समझने के लिए और शिकायतों को दर्ज करने के लिए। किसकी शिकायतें, सबॉर्डिनेट्स की, यानी वर्कर्स की शिकायतों की बात हो रही है। दे पास दीज प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, सुपरवाइजरी लेवल यानी जो इस लेवल के मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने पास ही रखेंगे क्या प्रॉब्लम, नहीं, उनसे सॉल्व होगा तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज वो किसको पास कर देंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पास कर देंगे उस प्रॉब्लम को, कि सर आप ये देखिए मेरे तो बस में है नहीं, आप कृपया करके ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कराइए।
नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग अ गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग ए हेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, यानी मेंटेन करना पड़ता है उनको कि वर्किंग कंडीशन जो हो वो बहुत अच्छी हो, और डेवलपिंग करनी पड़ती है उन्हें क्या, हेल्थ रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रहती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, कि हमें वर्कर्स की हेल्थ को भी ध्यान रखते हुए डेवलप करना होगा, और कंडीशन कैसी होनी चाहिए वर्किंग की, गुड कंडीशन होनी चाहिए, उसको हमें मेंटेन करना होगा। द सुपरवाइजरी मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट विच इंप्रूव्स रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबॉर्डिनेट। वही बात है फिर से कि सुपरवाइजर मैनेजर प्रोवाइड करता है गुड वर्किंग कंडीशन और क्रिएट करता है सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट। सपोर्टिव का मतलब सपोर्ट करते हैं उन्हें, वो किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मोटिवेट भी करते हैं, काम को बताते भी हैं, अगर कोई स्किल लेस बंदा है तो उसके उसको सिखाते भी हैं, ठीक है ना। विच इम्प्रूव्स रिलेशंस, वो जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करता है, सुधार लाता है उनमें बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट, जो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में हैं, यानी जो एक वर्कर और एक बॉस के बीच का जो रिलेशन है उनको भी वे इम्प्रूव करते हैं, उसकी ही जिम्मेदारी होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, लोअर लेवल मैनेजर की यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, यानी लुकिंग का मतलब है देखभाल करना, यहाँ पर वर्कर्स की सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरमेंट फॉर वर्कर्स, ठीक है, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, वो कोशिश करते हैं मेंटेन करने की, प्रिसाइज का मतलब होता है बहुमूल्य, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, प्रिसाइज स्टैंडर्ड, एक बेहतरीन स्टैंडर्ड वो क्या करते हैं, क्वालिटी का मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट, स्टडी का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब एक तरीके से मतलब चलते रहने वाला, आउटपुट फ्लो जो है वो करते हैं, आउटपुट का मतलब है कि वो इतना वर्क ज़रूर करेंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवली, कि आउटपुट जो है वो एक स्टडी फ्लो में आए, ये ना हो कि कभी बस कम आ गया, कभी ज़्यादा आ गया, कभी कम रह गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड इंश्योर करते हैं स्टडी फ्लो। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स मेक श्योर डैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन बाय द वर्कर्स। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, मेक श्योर, वी ये विश्वास दिलाते हैं किसको, अपने जो अपर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, डैट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विल बी मेंटेन्ड, सॉरी आर मेंटेन्ड, कि वो मेंटेन्ड करी गई है वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, यानी वर्कर्स का मोरल जो है, मोरल का मतलब ये है कि वो हताश ना हो जाए, है ना, मोरल आप नैतिकता से भी ले सकते हो बट उसके मीनिंग मायने अलग होते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार होते हैं कि आपको ना वर्कर्स का जो मोरल है उसको भी बूस्ट करना है। एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन दैम, टीम स्पिरिट का मतलब है ग्रुप में वो काम कर पाएँ, ऐसा उनके बीच में एक क्रिएटिविटी लानी है, उसे डेवलप करना है आपको। दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट देयर मोरल, ये मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई थी कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उनके मोरल को बूस्ट करते हैं। टीम स्पिरिट से मतलब ये है कि किसी किसी बंदे में प्रॉब्लम होती है कि मैं तो भाई एक डेस्क पर अकेला ही बैठ सकता हूँ तभी वर्क कर सकता हूँ, मैं किसी और बंदे को साथ में नहीं लगा सकता, या उस फलाने बंदे को मैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता, या मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, तो ऐसी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा उसे। हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं वर्कर्स को ये समझाने की और डेवलपिंग करने की टीम स्पिरिट को, ठीक है, ग्रुप में काम कराने की उन्हें आदत डलवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वो कह रहे हैं कि मटेरियल का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, एंड मेंटेन कराते हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी इंटरेक्ट करते हैं वो एक्चुअल वर्क से, ये नहीं कि बस सिर्फ आप एक तरीके से ट्रेनिंग ट्रेनिंग हो रही है जी, उनके एक्चुअल वर्क नहीं बताया जा रहा है उन्हें, एक्चुअल वर्क के साथ वो इंटरेक्ट कराते हैं उसे वर्कफोर्स के साथ, एंड पास करते हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मिडिल लेवल से जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले हुए होते हैं वो आगे पास कर देते हैं वर्कर्स को, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, इस पॉलिसी में ये वाला काम होना है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, ये मैनेजर्स जो होते हैं लोअर लेवल के मैनेजर्स वो जिम्मेदार होते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी आई है, या वर्कर्स की लॉयल्टी का मतलब है, लॉयल से मतलब श्रेष्ठता से भी, कि उनके ऊपर कोई आँच ना आए, उनकी इमेज का भी हम क्या रखें, ख्याल रखें, इन सब चीज़ों के लिए भी लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ज़िम्मेदार होता है। आगे पैराग्राफ में बता रहे हैं वो, इसका निचोड़ दे रहे होंगे यहाँ पर,
द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, कि वो तो हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है. डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी और वर्कर्स एंड वर्कर्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स. वो ये कह रहे हैं क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट की किस पर डिपेंड करती है, हार्ड वर्क पर, डिसिप्लिन पर, और लॉयल्टी और वर्कर्स पर डिपेंड करती है. एंड वर्कर्स आर कंट्रोल्ड, वर्कर्स किसके द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं एंड मैनेज करे जाते हैं, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स के द्वारा वर्कर्स कंट्रोल और मैनेज करे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल. खत्म हो चुका है यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का. बट यहाँ पर हमें अब जो कंक्लूजन है वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमारी केस स्टडी की वजह से, और एक केस स्टडी भी हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं. एनी पर्सन, वो बता रहे हैं फोकस करना है हमें किस किस चीज़ पर डिफरेंट लेवल पर. एनी पर्सन हु परफॉर्म्स मैनेजरल फंक्शन डेट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजर. कोई भी ऐसा बंदा, उन्होंने एनी पर्सन कही है, कोई भी ऐसा बंदा हु परफॉर्म्स मैनेजरल फंक्शन, जो मैनेजरल फंक्शंस को परफॉर्म करता हो, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, इन सब चीज़ों को फॉलो करता हो, परफॉर्म करता हो, तो वो एज अ कंसिडर्ड, वो एज अ मैनेजर कंसिडर्ड करा जाता है, माना जाता है, उसको एक मैनेजर है वो. द फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल्स इज डिफरेंट फंक्शंस सच एज, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट लेवल का जो फोकस है रहता है, डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, कैसे कैसे सच एज, जैसे कि टॉप लेवल कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. टॉप लेवल का जो कंसंट्रेट होता है वो होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पर, कि हमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे प्लान करनी है, कैसे कैसे उसे हम एक्ट कराने वाले हैं, और ऑर्गेनाइजिंग हमें करनी होती है. तो ये जो सिरदर्दी होती है वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की. और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की क्या होती है, कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं आनी चाहिए, वो सब चीज़ों को, सब बंदों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कराते रहते हैं. स्टाफिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो तो उनका फोकस वहाँ पर रहता है. और लोअर लेवल फोकस किस पर करते हैं, फोकस अपना ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू वर्कर्स. वो कह रहे हैं कि हमें फोकस करना होता है डायरेक्शन पर और कंट्रोलेशन पर, यानी कि कंट्रोलिंग भी हमारे हाथ में होती है, डायरेक्टिंग भी हमारे हाथ में होती है. किसकी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वर्कर्स की, क्योंकि हमें डायरेक्शन देना पड़ता है किसको, वर्कर्स को. आगे इन्होंने एक चार्ट में दिया हुआ है एक तरीके से, जैसे कि बोल देता ना एट अ ग्लैंस, यानी कि नमूने टाइप में, बिल्कुल ऐसी समरी टाइप में इन्होंने दिया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल. टॉप लेवल में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होती है, मिडिल लेवल स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन को संभालता है, सुपरवाइजरी है लोअर लेवल डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को संभालता है. आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट है उनके बारे में बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पर. बस जो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट यानी SS ले लीजिए. मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा हूँ आगे, यहाँ लीजिए एक, ठीक है ना. ये सारी चीज़ हमने पढ़ी ली हैं, कीवर्ड्स को आप देख लीजिएगा, कीवर्ड्स की भी आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं. मिडिल लेवल और सुपरवाइजर लेवल का भी आप कीवर्ड्स थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं केस स्टडी. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, केस स्टडी पर फोकस करते हैं. बहुत अच्छी केस स्टडीज यहाँ पर आ रही हैं निकल कर, सिंपल सिंपल सी हैं लेकिन आई हुई हैं CBSE सेट डी 2017 में. देख लेते हैं. आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स. ही फाउंड दैट द प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ. आशुतोष गोयनका कोई बंदा है, वो एक वर्कर वर्किंग करता है, वो किसमें, एक एक्स लिमिटेड कंपनी में, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एयर प्योरीफायर्स, ठीक है. उसने क्या फाउंड करा, उसने फाउंड करा कि प्रॉफिट जो है ना बिजनेस का, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग हो रहा है फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, यानी पिछले 6 महीनों से. प्रॉफिट एज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, यानी फर्म को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट जो है इम्प्लीकेशन हो चुका था, एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो चुका था, उसके बिना अब काम नहीं हो सकता. सो ही एनालाइज्ड द बिजनेस एनवायरमेंट टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस डिक्लाइनिंग. उसने एनालिसिस करा बिजनेस एनवायरमेंट को, फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए कि क्या कारण है कि हमारा प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है. तो पॉइंट नंबर 1 में पूछ रहे हैं ये ए में कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग. अब एक बात से जरा दिमाग से सोचो, छोटी सी बात, क्या किसी वर्कर को इस बात से मतलब होगा कि हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब ही नहीं होता. मिडिल लेवल वाले को भी ज़रूरत नहीं है, उसे भी स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन का काम संभालना होता है, वर्किंग वगैरह का देखनी होती है. तो इसका मतलब ये कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुँच गया, क्योंकि सर्वाइवल की बात आ रही है. सर्वाइवल का ध्यान किसे रखना पड़ता है कि बिजनेस हमारा सर्वाइव कर पाए इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो वो काम होता है हमारे टॉप लेवल का. तो इसलिए आइडेंटिफाई जो हमें करना है लेवल को, तो वो आ जाएगा इसमें टॉप लेवल. पॉइंट नंबर बी में कह रहे हैं स्टेट 3 अदर फंक्शंस बींग परफॉर्म बाय द आशुतोष गोयनका, कि
तीन कोई ऐसे हैं, आप फंक्शंस बता दीजिए जो परफॉर्म होने हों किसके द्वारा, आशुतोष गोयनका के द्वारा। तो फंक्शंस के लिए आप जा सकते हैं पेज नंबर 27, 28, यानी मेरे पिछले लेक्चर्स में, जो इससे पुराना वाला लेक्चर है। बस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी मिल जाएगी लिंक, आप वहाँ से जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं एक बार, ज़रा देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड। उन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है, एक AMV लिमिटेड के नाम से कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। वी फाउंड डैट हिज डिपार्टमेंट वॉज अंडर स्टाफ्ड। अंडर स्टाफ्ड का मतलब होता है कि उसके डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो अदर डिपार्टमेंट्स के बंदे हैं वो उसके डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देयर फॉर इसीलिए ही इंश्योर डैट, उसने इंश्योर करा कि हिज डिपार्टमेंट हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसके डिपार्टमेंट को कुछ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, एंड इट्स कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट इज इम्प्रूवड, ताकि उसका जो कोऑपरेशन है, कोऑपरेट करने का जो तरीका है, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है अदर डिपार्टमेंट के साथ, वो क्या हो सके, इम्प्रूवड हो सके। अब ED लगा रखा है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुँच रही है, यानी हो गया। तो ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। अब उसने करा है स्टाफिंग वगैरह, रिक्वायरमेंट निकाली थी उसने, सोची इस बात को, तो मिडिल लेवल पे आपकी ये होती है, सीधी सी बात है। तो ये तो आइडेंटिफाई हमें लेवल करना है, तो ये मिडिल लेवल आ जाएगा। इसको मैंने आपको बताया भी था जब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पढ़ रहे थे ना कॉन्सेप्ट, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। आगे बोल रहे हैं वो, ऑल्सो स्टेट द 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। तो 3 फंक्शंस और रिक्वायर्ड जो हैं उसके लिए पूछ रहे हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स में चले जाइए, वहाँ से आप फंक्शंस लिख दीजिए जो कि आपको पेज नंबर 28 पर मिल जाएंगे, यानी कि लास्ट वाले लेक्चर में, जिसका वीडियो आपको लिंक उस वीडियो का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि मुझे भी तो मोटिव थोड़ा सा चाहिए ना, मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा सा चाहिए। तो मेरा मोटिव ये होता है कि आपको मैं जो चीज़ है वो मिल जाए अच्छे तरीके से, सिर्फ ये 16-17 मिनट की जो भी वीडियोस होती हैं उसमें आपका टाइम ना ख़राब हो। देखो YouTube पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी को मैं मना नहीं करूँगा यहाँ पर कि कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बट मैं यहाँ पर इतना तो मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज बाय लैंग्वेज यहाँ पर चल रहा है, बाय लैंग्वेज में चल रहा है यहाँ पर सब कुछ, इंग्लिश में हिंदी, हिंदी में इंग्लिश, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करते होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताया करेंगे वीडियो कैसी लगी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।